सो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है आनंद और आज गाइस मेरे पास आ चुका है IQ की तरफ से आने वाला IQ Z6 Lite 5G फ़ोन। और गाइस यार ये एक 5G फ़ोन है जो कि गाइस आप लोग को अंडर 14,000 में देखने को मिल जाएगा Amazon पे। सो गाइस यार यहाँ पर फटाफट से पहले बॉक्स को अनबॉक्स करते हैं। और गाइस बॉक्स को अनबॉक्स करते ही आप लोग को एक सबसे पहले बॉक्स देखने को मिलता है छोटा सा, जो कि गाइस IQ का ब्रांडिंग के साथ आता है। और गाइस इस बॉक्स के अंदर देखते हैं कि क्या क्या देखने को मिलता है। तो गाइस वारंटी कार्ड उस बॉक्स के अंदर देखने को मिल जाता है। इसी के साथ गाइस आप लोग को बॉक्स में एक बैक कवर भी देखने को मिल जाता है जो कि एक ट्रांसपेरेंट बैक कवर है। और गाइस क्वालिटी इस बैक कवर का काफ़ी अच्छा है। उसके बाद गाइस आप लोग को फ़ोन देखने को मिल जाता है। और गाइस यार फ़ोन का डिज़ाइन काफ़ी अच्छा मेरे को लग रहा है। और गाइस पन्नी हटाने के बाद तो क्या ही ये रिफ्लेक्ट कर रहा है यार, क्या ही गजब का डिज़ाइन है, ऑसम गाइस डिज़ाइन मेरे को काफ़ी पसंद आया। उसके बाद गाइस आप लोग को बॉक्स में एक टाइप सी केबल देखने को मिल जाता है। और गाइस टाइप सी केबल दिया है तो गाइस काफ़ी अच्छी बात है। और गाइस एक सिम इजेक्टर टूल भी देखने को मिल जाता है उसके बाद गाइस आप लोग को चार्जर देखने को नहीं मिलता है। गाइस मेरे को तो लग रहा है कि IQ को चार्जर देना जरूरी था, क्योंकि गाइस यार ये 5G फ़ोन दे रहा है तो गाइस चार्जर तो जरूर देना चाहिए। बाद में फटाफट से फ़ोन को सेटअप करते हैं और फ्री फायर डाउनलोड करते हैं और चलते हैं फ्री फायर के लॉबी में। सो गाइस यहाँ पर मैंने फ्री फायर ओपन कर लिया है इस फ़ोन में। और गाइस सबसे पहले मैं आप लोग को सेंसिटिविटी और ग्राफिक्स वगैरह दिखा देता हूँ हमेशा की तरह। तो गाइस चलते हैं सेटिंग पे, और सेटिंग पे जाने के बाद चलते हैं सेंसिटिविटी पे। और गाइस सारा जो मेरा सेंसिटिविटी है सारा 100 पर रहेगा, क्योंकि गाइस यार मेरे को सेंसिटिविटी भी चेक करना है इस फ़ोन का कि सेंसिटिविटी कितना है इस फ़ोन में। उसके बाद गाइस चलते हैं डिस्प्ले पे। और डिस्प्ले पे चलने के बाद गाइस मैं आप लोग को बता दूं कि मैं सारे सेटिंग को, यानी कि सारे जो भी ग्राफिक्स वगैरह हो गए, हाई FPS हो, सारे को मैं हाई पर रखकर खेलूंगा, जिससे गाइस मेरे को पता चल सके कि इस फ़ोन में लैगिंग वगैरह आता है या नहीं आता है। तो सारा चीज़ मैं आप लोग को बता सकता हूँ, मतलब चेक वगैरह करूँगा तो गाइस सारा चीज़ मेरे को पता चल जाएगा। तो गाइस फटाफट से मैं गेम को एक मैच स्टार्ट कर लेता हूँ। गाइस आप लोग देख सकते हो सारा चीज़ें हाई पर मैं रखा हूँ। तो गाइस फटाफट से एक क्लैश स्क्वाड मैच स्टार्ट कर लेते हैं और गाइस देखते हैं कि क्या कोई लैगिंग वगैरह मतलब देखने को मिलता है या नहीं मिलता है इस फ़ोन में। तो गाइस फटाफट से चलते हैं फाइट वाले सीन पे, जिसमें मैं बंदों से फाइट किया हूँ। सो गाइस यहाँ पर मैं आ चुका हूँ फाइट वाले सीन पे। और गाइस इधर एक बंदा है, गाइस अभी इसको मारते हैं। गाइस हेडशॉट लगता है, ओ माय गॉड क्या ही हेडशॉट लगा गाइस, हेडशॉट बंदा गाइस डाउन है। अभी एक और बंदा था इधर, देखते हैं भाई दूसरे ने डाउन कर दिया, कोई बात नहीं। गाइस यार आप लोग जरा गेम प्ले को देखो, मैं आप लोग को जो इस फोन के मतलब हाईलाइटेड फीचर है उसके बारे में मैं आप लोग को थोड़ा बता देता हूँ, जल्दी जल्दी मैं बताऊँगा, जिससे गाइस आप लोग का भी टाइम बचे मेरा भी टाइम बचे। तो गाइस यार ये फ़ोन आप लोग को Amazon पे देखने को मिल जाएगा। और गाइस यार जो मेरे पास फ़ोन है वो है गाइस 4GB रैम और 64GB का इंटरनल स्टोरेज वाला। तो गाइस ये फ़ोन आप लोग को अंडर 14,000 में देखने को मिल जाएगा, क्योंकि गाइस 4GB रैम और 64GB इंटरनल स्टोरेज के साथ देखने को मिल जाता है। तो गाइस काफ़ी अच्छा फ़ोन है, मतलब अंडर 14,000 में आप लोग को 5G फ़ोन देखने को मिल जाता है, वो भी गाइस 4GB रैम और 64GB इंटरनल स्टोरेज के साथ। तो गाइस मेरे को तो काफ़ी अच्छा लगा। बाय द वे अभी हम लोग बात कर लेते हैं इस फोन के डिस्प्ले के बारे में। तो गाइस यार इस फोन में आप लोग को फुल HD+ डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, वो भी गाइस 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ। तो गाइस यार मतलब 120Hz रिफ्रेश रेट है तो क्या ही कहना गाइस, जो इस फोन का सेंसिटिविटी है वो गाइस काफ़ी अच्छा है। और गाइस जब मैं गेम खेल रहा था, और काफ़ी मैंने गेम खेला, फुल मैप भी खेला और क्लैश स्क्वाड भी खेला, तो गाइस काफ़ी अच्छा मेरे को सेंसिटिविटी लगा इस फोन का। मतलब नॉर्मल तो नहीं बोल सकते, थोड़ा नॉर्मल से थोड़ा सा ऊपर का आप लोग बोल सकते हो कि इस फोन का सेंसिटिविटी है। और सेंसिटिविटी के मामले में भी ये फोन A1 निकल कर आता है। ओवरऑल बोले तो गाइस इस फोन का जो डिस्प्ले है वो गाइस काफ़ी अच्छा डिस्प्ले है। तो गाइस ये तो हो गया डिस्प्ले के बारे में बात। अभी हम लोग बात कर लेते हैं कि इस फोन का प्रोसेसर कैसा है। तो गाइस यार इस फोन में आप लोग को देखने को मिल जाएगा स्नैपड्रैगन का 4th Gen 1 प्रोसेसर, जो कि गाइस एक काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है। और गाइस ये प्रोसेसर 6nm के टेक्नोलॉजी पर बेस है। तो गाइस यार काफ़ी अच्छा प्रोसेसर आप लोगों को देखने को मिल जाता है। और गाइस मैं जब गेम खेल रहा था तो इस प्रोसेसर में कोई मेरे को दिक्कत नहीं आया, ये नहीं कि लैगिंग हो रहा सब कुछ भी फील नहीं मेरे को हो रहा था, काफ़ी अच्छा काफ़ी स्मूथ तरीके से ये फ्री फायर को रन करा दे रहा था, वो भी गाइस मैक्स सेटिंग पे। तो गाइस मैक्स सेटिंग पे वो भी गाइस स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन था, ये भी आप लोग ज़रा ध्यान दें। गाइस स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन पे आप लोग को मैक्स सेटिंग पे क्लैश स्क्वाड इजीली आप लोग खेल सकते हो, ये प्रोसेसर आप लोग को कोई भी दिक्कत नहीं होने देगा। और गाइस अगर फुल मैप की बात करें तो गाइस फुल मैप में आप लोग अल्ट्रा पे आराम से मतलब स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करके गेम प्ले कर सकते हो। अगर आप लोग स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं ऑन करोगे तो गाइस आप लोग क्लैश स्क्वाड और फुल मैप दोनों आप लोग मैक्स पे खेल सकते हो विदाउट कोई भी लैगिंग और फ्रेम ड्रॉप्स के। तो गाइस ओवरऑल अगर बात करें प्रोसेसर के बारे में तो गाइस प्रोसेसर भी आप लोग को इस फोन में काफ़ी तगड़ा देखने को मिल जाता है। और गाइस बैटरी के बारे में बात करें तो गाइस आप लोग को इस फोन में 5000 mAh का बैटरी देखने को मिल जाता है, जो कि गाइस आप लोग को आराम से 5 से 6 घंटे लगातार गेमिंग करा देगा, वो भी गाइस मैक्स पे। तो गाइस बैटरी भी आप लोग को इस फोन में काफ़ी बड़ा देखने को मिल जाता है। तो गाइस अगर ओवरऑल अगर देखें तो डिस्प्ले भी इस फोन का काफ़ी अच्छा है, प्रोसेसर भी काफ़ी अच्छा है, और बैटरी है वो भी गाइस काफ़ी अच्छा है, और रैम और स्टोरेज तो मैंने आपको बताया ही, और प्राइस भी गाइस अंडर 14,000 में भाई 5G फ़ोन मिल रहा है तो गाइस क्या ही कहना। बाय द वे गाइस मेरे को एक ही इसका माइनस पॉइंट लगा,
चार्जर कंपनी वालों ने नहीं दिया। अगर चार्जर दिया होता तो गैस इस फ़ोन के टक्कर में मेरे को नहीं लगता है कि कोई फ़ोन है, क्योंकि अगर 5G फ़ोन है तो और इतना सारा स्पेसिफिकेशन दिया है तो गैस काफ़ी अच्छी बात है। बट गैस मेरे को लगता है कि चार्जर देना चाहिए कंपनी को। बाय द वे अगर हम लोग बात कर ले इस फ़ोन के कैमरे के बारे में तो गैस बैक में आप लोग को दो कैमरा देखने को मिल जाता है, जो कि एक है गैस 50 मेगापिक्सल प्लस एक है और 2 मेगापिक्सल का कैमरा। तो गैस बैक में दो कैमरा देखने को मिल जाता है और गैस फ्रंट में 8 मेगापिक्सल का एक सेल्फी कैमरा भी देखने को मिल जाता है। तो गैस कैमरा भी काफ़ी अच्छा खासा देखने को मिल जाता है। बट गैस मैं नहीं कहूँगा कि कैमरे के पर्पज़ से आप लोग इस फोन को बाय करो, बट अगर आप लोग गेमिंग के पर्पज़ से इस फोन को बाय करना चाहते हो तो मैं ज़रूर कहूँगा कि आप लोग इस फोन को कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि गाइस काफ़ी सारा मतलब काफ़ी अच्छा खासा मतलब इस फोन में आप लोग को स्पेसिफिकेशन देखने को मिल जाते हैं। सो गाइस अगर आप लोग इस फोन को बाय करना चाहते हो तो गाइस मेरे डिस्क्रिप्शन में इस फोन का लिंक दिया गया है, आप लोग वहाँ पे क्लिक करिए, आप लोग चले जाएंगे डायरेक्ट अमेजोन के साइट पे, वहाँ से जाकर आप लोग बाय कर सकते हो। और गाइस अगर आप लोग मेरे लिंक से बाय करोगे तो गाइस आप लोग को छोटे भाई को भी कुछ रुपये मिल जाएंगे और गाइस आप लोग को सारा ऑफर वगैरह सारा मिलेगा हमारे भी लिंक से, तो गाइस वहाँ से भी आप लोग बाय कर सकते हो। तो गाइस मैं तो ये कहूँगा कि मेरे लिंक से प्लीज़ बाय करना गाइस। सो गाइस यही था आज का वीडियो। जय हिंद जय भारत।